बुलेट जैसा जा रहा है सीधा। एंड अभी थोड़ा सा स्लॉग स्वीप का प्रैक्टिस करेंगे। बैट का क्या हाल हुआ यहाँ से? हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें बॉल को। ओ चचा, ओ ओ कहा। So hello cricketers, this is Umang Sethi and you're watching your favorite channel Modern Day Cricket. तो आ गया हूँ मैं एक और प्रैक्टिस व्लॉग के साथ। बहुत जल्द मैच व्लॉग्स भी आएंगे क्योंकि प्लानिंग चल रही है, दिल्ली जाकर प्रॉपर मैचेस खेलेंगे। हमारे यहाँ जमशेदपुर झारखंड में उतने क्वालिटी मैचेस नहीं मिलते एंड क्वालिटी मैचेस नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या ही फायदा आपका देखने का, राइट? अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं प्रैक्टिस। तो भाई पहुंच गए हैं ग्राउंड एंड यहाँ पे सर प्रैक्टिस विकेट्स। पहले प्लेयर की बैटिंग हो रही है यहाँ पर, मेरा इसके बाद है, तो उसके पहले थोड़ा नॉकिंग वॉकिंग कर लेते हैं। डन विद द नॉकिंग और मेरे नॉकिंग पार्टनर थे ये राजीव भैया, थैंक्स अ लॉट। अभी फिलहाल थोड़ी देर में बैट करके निकलेंगे नेट्स के लिए एंड यहाँ पर गोप्रो भी रेडी कर लिए, मस्त अभी जाएंगे नेट्स पर। और भाई ये आज इन दोनों बैट से बैटिंग करेंगे और ये जो बैट है ये मेरा बहुत पुराना बैट है, देख सकते हो क्या हाल हो गया इस बैट का। लेट्स सी कैसा निकल रहा है, कहीं लकड़ी सूख वूख तो नहीं गया। ऐसा नहीं घर वाला का पैसा लगाए, अपने पैसे से। एकदम पाटा विकेट है, ना स्विंग होगा ना टर्न होगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, उतना ग्रास भी नहीं और क्रैक हल्का फुल्का है तो हल्का टर्न मिलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखने मिलेगा। ठीक है लेक्चम लेक्चम, थैंक यू। ओ भाई बहुत बाहर का बॉल, बैट चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर डिफेंस, डेड डिफेंस और यहाँ बैक फुट पंच। और यहाँ ये हल्के हाथ से खेले, सिंगल हो जाएगा शायद, कैरी नहीं करेगा फील्डर तक। ओह ग्रेट शॉट, शॉट है बड़ी। ये हल्के हाथ से बॉल पहुंचा ही नहीं मेरे तक, मेरे को पहुंचना पड़ा, स्लो था बॉल। ये भाई डबल माइंड हो गए इसने, आगे का बहुत पीछे चल गए पर मैनेज कर दिया सही। सही रह गया टाइम। ये ऑफस्टंप के बाहर से स्लिप, इनकमिंग बॉलर था ना इसलिए। सिंगल, वेल प्लेड वेल प्लेड। ओ यहाँ पर हल्का सा बैट का फेस घूम गया, ये कवर के बगल से निकल जाएगा सिंगल के। स्टेप आउट एंड ड्राइव। अरे भाई बॉटम लगा क्या, अजीब सा फील आया, मिडिल हुआ था पर फिर भी अजीब सा लगा यार, हैंडल गया क्या भाई। मैच बैट, ग्रेट शॉट यार, प्रॉपर स्वीप, परफेक्ट। ये बढ़िया बॉल के ऊपर चढ़ के मारे, ओ भाई नीचे रहा भाई, विकेट में थोड़ा बॉल नीचे रह रहा है। क्विक फुटवर्क, गेट के हल्का अंदर आया और बैलेंस भी कंट्रोल में रहा भाई, गिरे नहीं, बढ़िया। गुड शॉट, ये गुड शॉट, सिंगल निकल जाएगा, कवर के बगल से चल जाएगा, ये भी सिंगल हो जाएगा, शॉट आम जा रहा। गुड शॉट यार, पिकअप शॉट, ये चौका बगल स्क्वायर लेके बगल से निकल जाएगा, चार रन के लिए। यस भाई बाल बाल बचा सामने कैमरा में लगता। सिंगल, ये बिल्कुल अंदर घुस भाई, बहुत नीचे रहा, बाल बाल बचे, अभी पैड में लग जाता, नीचे रह रहा बॉल। गुड शॉट, सिंगल, चौका भी हो सकता है। यप ग्रेट वन, ये दो रन मिल जाएगा। ये भाई ये डबल माइंडेड हो गया, आगे का बॉल पीछे चल।
ओ यस क्लासी। ओ गुड शॉट भाई, ये रडार में था एंड कवर के ऊपर से टॉप नॉच। ये भी चौका मिड विकेट के बगल से, दिस वन स्क्वायर लेग के बगल से। कैमरा चेंज कर लेते भाई, पीछे से थोड़ा सा पीछे वाला व्यू लेते हैं। स्ट्रेट शॉट, वो दैट वेंट लाइक अ बुलेट, बहुत तेज। ये वाला भी भाई, कैमरा हटा दिया सामने से, अब खुल कर सामने मार रहे, डर ही नहीं कैमरे। ये भी बढ़िया कवर, बढ़िया पुल। अभी इतना स्टेप आउट कर रहे हैं ना, इसलिए शॉर्ट बॉल ही मिल रहा है। ओ भाई क्या आवाज़ आया बैट से यार, भाई गजब आवाज़ आया बैट से। निकल जाएगा, निकल जाएगा। गुड शॉट, ये थोड़ा सा बैट घूम गया हाथ, भाई ग्रिप नीचे कर लेते हैं, फट गया नीचे से ग्रिप थोड़ा। शॉट, ये सही, ये क्लियर हो जाएगा आराम से। एक और प्रॉपर मिडलिंग भाई, बुलेट जैसा जा रहा है सीधा। बैट है, बैट है, बैट है, बैट है। बच गए। ये बॉल हल्का नीचे रहा, स्किट करके आया। गुड शॉट, स्ट्रेट, सेफ है, शॉट है बड़ी। ये बॉल रडार में मिला, स्टेप आउट एंड ड्राइव। ये बॉल तक पहुंचे नहीं थे, ये थोड़ा सा जाना पड़ा बॉल। ये भी सीधा कॉटन बोर्ड, कोई चांस ही नहीं, इतना तेज मार रहे ना। और ये अलग दौड़ के मारे भाई, ये हल्का पीछे था तो बॉल बहुत ज़्यादा स्लो छोड़ रहे। ये भी सिंगल लॉन्ग ऑफ की तरफ, एंड दिस वन वॉज अ स्ट्रेटर, तेज मारा था इसलिए प्रॉपर इसको फ्लिक किए पेस बॉलर का सोच के। ये एक और थोड़ा मिसहिट हुआ था पर कवर के ऊपर से निकल जाएगा। स्ट्रेट बैट बहुत सेफ होता है, स्ट्रेट बैट शॉट खेलना सबसे सेफ होता है। ये हट कर रूम बना के कवर की तरफ चौका निकल जाएगा, हाँ पॉइंट कवर के बगल से। रोक दिए बैट को क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस हो रहा है। शॉट है भाई, रडार में बस मिलना चाहिए, अलग फील तो आ रहा भाई बैट से। ये बेस्ट शॉट, व्हाट अ शॉट बडी, परफेक्ट, प्रॉपर डिफेंस। ये भी जरूरी है, एग्रेसिव के साथ डिफेंसिव भी खेलना जरूरी है, इक्वल बैलेंस कर। था क्या ये, था स्लाइडर था ना, हाँ तो लगा कुछ अलग आएगा, तो डिफेंस कर दो। शॉट है बडी, रडार में सीधा। एक और स्लॉग स्वीप, बैक फुट पंच, ये निकल जाएगा कवर्स के बगल से सिंगल के लिए। नो रन, बॉलर ही पकड़ लेगा भाई, नीचे रहा वाला बॉल। यहाँ पर सिंगल मिलेगा एक प्रॉपर, लॉन्ग ऑन में सिंगल मिल जाएगा, ये पॉइंट के हाथ में जाएगा, कोई रन। सिंगल लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल, ये हवा में धीरे छोड़ दिया था इसलिए डिफेंस करना पड़ा, पोजीशन होल्ड करके मारे। थैंक यू। ओ भाई भाई, डन विद द प्रैक्टिस सेशन। और यार थक जा रहे पता मेन, अरे रुको बैट पहले हाथ में ले ले, हाँ थक जा रहे पता, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है इस वजह से स्टैमिना लूज़ कर रहे हैं तब, क्योंकि देखो टच सही है, बैट में अच्छा बॉल आ रहा, बैटिंग सही हो रहा है, पर जहाँ लंबी बैटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर थक रहे हैं। सो इससे आप लोग भी सीख सकते हो कि रेगुलर प्रैक्टिस में रहने का यही बेनिफिट है कि आप टच में तो रहोगे पर आपका स्टैमिना भी बूस्टअप होता रहेगा। गॉट इट। हाँ जी भाई, तो होगी प्रैक्टिस खत्म, ये रहा अपना किट बैग। सही रहा, बैटिंग ठीक ही रहा, विकेट थोड़ा सा स्लो था इसलिए टाइमिंग उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वही मेरे को लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि वैसा फील नहीं आ रहा था बैटिंग में शायद टाइमिंग के वजह से। बाकी ओवरऑल मज़ा आया बैटिंग करके।
एंड अभी थोड़ा सा स्लॉग स्वीप का प्रैक्टिस करेंगे, स्लॉग स्वीप का प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड सेकेंड चीज़ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए क्लिप्स भी मिल जाएगा कि हाउ टू प्ले ला ला ला, ये सरप्राइज सरप्राइज के बताई दी हाउ टू प्ले स्लॉग स्वीप, तो उसका भी क्लिप्स निकल जाएगा। क्या गलती हो तो क्या गलती से हम सीख सकते हैं आज। आज ये हो रहा था कि अभी कुछ दिन पहले से सीमेंटेड विकेट में बैटिंग कर रहे हैं तो बॉल बहुत इजीली मेरे तक आ जा रहा है और हम आराम से ड्राइव मार दे रहे हैं, तो जो मेरा मीटिंग पॉइंट हो रहा है ना, ड्राइव मारो तो मेरी मीटिंग पॉइंट इधर हो रहा है। अभी क्या हो रहा है टर्फ विकेट में टर्फ थोड़ा स्लो था, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉल को कि मीट यहाँ पर हो जाए, पर मीट मेरा यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम जा तो रहे हैं पर बॉल दूर होने की वजह से बैट को दूर ले जाना पड़ रहा और यहाँ पर मीट करवाना पड़ रहा है, इसलिए वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो पा रहा क्योंकि विकेट में स्लो आ रहा है। तो क्या हाल है, बढ़िया भाई। तो इसीलिए कि जब बॉल स्लो विकेट पे आ रहा है तो आपको बॉल को आने देना है, या फिर अगर चढ़ भी रहे हो बॉल के ऊपर तो मेक श्योर करो कि बॉल को आप दबा रहे हो, ऐसा नहीं कि यहीं से अगर मोड़ दोगे तो टॉपिंग लगकर खड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल बॉडी वेट को आगे ले जाके। भाई इसी के साथ एक बैड न्यूज आ गया यार, देखो बैट का क्या हाल हुआ, यहाँ से क्रैक कर रहा है हल्का। यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे ना तो मिडलिंग हो रहा है, पर फिर भी ना वो फील नहीं आ रहा जो बैटिंग में आ रहा था, शायद इसलिए मेरे को लग रहा है कि बैटिंग आज उतना अच्छा नहीं हुआ है। अभी पता चला कि यहाँ तो भैया क्रैक हो गया है और मेन रीज़न यही है, बैट नया लेना ही पड़ेगा, स्पॉन्सर वॉन्सर से बात करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्रैक आ गया बैट में, दिस रियली हर्ट्स यार। तो जी यहाँ हो गया अपना किट पैक एंड ये रहा अपना कैमरा वाला बैग, चल भाई। ओके सो गाइस, दो चीज बताना था आपको। नंबर वन कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताना कि इस व्लॉग में वॉइस ओवर के साथ पीछे म्यूजिक भी ऐड किए बैटिंग के समय, तो वो पसंद आया कि नहीं, म्यूजिक चाहिए या नहीं चाहिए ये कमेंट में बता देना। एंड दूसरी चीज कि ये जो व्लॉग था ये दो व्लॉग का मिक्सचर था, पहला जो आपने नॉकिंग देखा वो दूसरे ग्राउंड में था और नेट्स दूसरे ग्राउंड में था, क्योंकि टोटल व्लॉग पहले ग्राउंड में बनने वाला था पर जब एडिटिंग करने बैठे तो भाई गोप्रो वाला वीडियो मिला ही नहीं मेरे को, गायब हो गया अचानक से, पता नहीं कैसे कोई डिलीट कर दिया कि मेरे से डिलीट हो गया क्या हो गया, तो मेरे को लगा कि भाई अगर गोप्रो वाला वीडियो नहीं हो तो फिर क्या ही व्लॉग बनेगा और आप क्या ही देखोगे राइट। तो इसलिए सेकेंड टाइम जब प्रैक्टिस गए थे तो उसका गोप्रो वीडियो को पहले वाले नॉकिंग से कंबाइन करके ये व्लॉग बना दिया आपके लिए, ठीक है। चलो यही बताना था, बाकी कमेंट करके बता देना कि बैटिंग के समय बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, बाय। आई आई नो सुसु, सुनो सुनो, इधर इधर आ ब्राउनी, कम हियर। एक बात बताओ, टॉयलेट क्यों किए वहाँ पर, स्कूटी में टॉयलेट क्यों किए, कहाँ छुप, नज़र कहाँ छुपा रहे हो, अरे वो भी जा रहा है, ओ चचा, ओ ओ कहाँ, देखो यहाँ पर, देखो गाइस यहाँ पर टॉयलेट कर दिया, क्या यही संस्कार मिले घर से, कर लो, उधर नाली में कर लो, पूरा सुसु करके हैप्पी, क्या बताएं यार इन लोगों को, बताओ सुसु कर देते हम कभी, किन लोग के गाड़ी पर